बिरयानी के लिए चावल कैसे रेडी करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिरयानी के लिए हम चावल बना रहे हैं। तो यहाँ पे है KRB चावल हमारा, और यहाँ पे लिए हैं ग्रीन मटर जो कि छील करके हम वॉश कर चुके हैं, और यहाँ ये रेडीमेड भी आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ गरम मसाले और यहाँ पे धनिया का पत्ता। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब चावल, धनिया का पत्ता, बिरयानी का मेहरान मसाला जो है, थोड़ा सा गरम मसाला है और हरा मटर। अब चलिए हम चलते हैं चूल्हे पर और बताते हैं आपको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे कुकर को हम चढ़ा दिए, आप चाहें तो सस्पेन भी यूज़ कर सकते हैं, डेगची भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम रिफाइंड ऐड कर दिए हैं। रिफाइंड डालने के बाद इसमें जो गरम मसाले हैं टोटल हम उसमें ऐड कर दिए हैं। गरम मसाला डालने के बाद इसमें ग्रीन मटर जो है, हरा मटर, वो हम इसमें डायरेक्ट डाल देंगे और एकदम लो फ्लेम कर देंगे, क्योंकि हरा मटर बहुत फास्ट बनता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा हरा मटर जो है 1 मिनट के अंदर फाइनली पक जाता है। तो ये हमारा हरा मटर पक चुका है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए टोटल पक चुका है, इसमें समय ज़्यादा नहीं लगता है। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सहजीरा है जो कि हम चावल में रख दिए हैं, आधा चम्मच है। अब हम इसको सहजीरा वाला चावल इसमें हम डायरेक्ट डालेंगे, कुकर में डाल देंगे। कुकर में टोटल चावल हम ऐड कर लेंगे, जितना है, जितना हम धोए हैं सब इसमें डाल लेंगे। और डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कुकर में हम टोटल चावल को डाल चुके हैं और इसको भूनना स्टार्ट कर दिए हैं हम। इसको अच्छे से मिक्स कर करके भून लेंगे, भून लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो चावल है भुना चुका है अच्छे से। अब इसमें हम कुछ मसाले हैं जो कि हम ऊपर से डालेंगे, आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है मेहरान का बिरयानी मसाला। तो मेहरान का बिरयानी मसाला बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इससे होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें से 2 चम्मच के हिसाब से आपको 1 केजी में 2 चम्मच आपको इसमें डालना है। तो हमारा 1 केजी है चावल, तो इसमें हम 2 चम्मच लिए हैं। और इसमें स्वाद अनुसार आपको नमक ऐड कर लेना है। तो देखिए हम नमक भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो स्वाद अनुसार आपको नमक भी ले लेना है और मेहरान का मसाला जो है बिरयानी मसाला उसमें से 2 चम्मच। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको भून लेंगे 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट तक हम इसको अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद इसमें हम पानी इसमें ऐड कर देंगे, हम चावल से 1.5 इंच ऊपर पानी कुकर में ऐड कर देंगे। कुकर में ज़्यादा पानी नहीं ले पाता है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसमें ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं और गर्म पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ठंडा पानी इसमें यूज़ किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। गर्म भी यूज़ कर सकते हैं आप, जो आपको आसान लगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम जो अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। मिक्स करने के बाद अब हम कुकर को बंद कर देंगे। कुकर बंद करने के बाद हमको 1 सीटी मात्र लगाना है, 1 सीटी मीडियम फ्लेम पर लगा करके चूल्हा को बंद कर देना है आपको। तो देखिए हमारा जो है 1 सीटी कंप्लीट होने वाला ही है। इसके बाद अब हम कुकर को बंद कर देंगे, मतलब चूल्हा को बंद कर देंगे। और चूल्हा बंद करने के बाद हम देखिए चूल्हा बंद कर चुके हैं। अब इसको हम प्रेशर निकलने तक वेट कर लेंगे, उसके बाद हम ढक्कन को खोलते हैं। देखिए यहाँ पर वाह, बहुत ही लाजवाब हमारा चावल ये फाइनली हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल हमारा एकदम मस्त हो गया है चावल। अब ऊपर से इसका मसाला जो है वो हम अलग करके इसको एक गमले में हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद यहाँ पे टमाटर और धनिया का पत्ता और हरी मिर्च को काट करके रखे हैं। यहाँ पे हमारा चिकन भी रेडी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ चिकन रेडी है। और यहाँ पे हम चावल निकाल चुके हैं गमले में, और यहाँ पे है हमारा डेगची जिसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल दिए हैं। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसमें सबसे पहले चावल को ऐड करेंगे। और चावल ऐड करने के बाद इसमें 2-3 चम्मच हम सबसे पहले इसमें चावल ऐड करेंगे, क्योंकि नीचे चावल ही इसमें रखना सही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चावल रखने के बाद हम इसमें अब थोड़ा सा, तो फाइनली वन स्टेप हमारा जो है ये चावल रख चुके हैं। इसके बाद हम धनिया का पत्ता ऐड करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली यूज़ करेंगे इस पर, हरा मिर्चा और टमाटो को इस पर ऊपर से हम तह पे इसको सजा देंगे। सजाने के बाद फिर से हम इसको चावल इस पर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टमाटर, ग्रीन चिल्ली और धनिया का पत्ता हम ऐड कर चुके हैं। अब इस पर हम चावल रखना स्टार्ट कर दिए हैं। इसके बाद हम चिकन को इस पर रखेंगे। तो देखिए चिकन को एकदम सुखा करके आपको रखना होगा, इसमें मसाला ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम चिकन को ऊपर से इस पर अब सजा रहे हैं। चिकन को हम डाल देंगे अच्छे से इसके ऊपर, एक तह लगा देंगे चिकन को भी। उसके बाद हम इस पर फिर से चावल को सजाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन के बाद हम चावल को इस पर डाल रहे हैं। चावल के बाद फिर से हम ग्रीन चिल्ली, धनिया का पत्ता, टोमेटो को फिर से हम सजा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्टेप बाई स्टेप करके एक एक सतह पर हम इसको सजा देंगे अच्छे से। सजाने के बाद सबसे ऊपर हम ऊपर से,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चावल डालने के बाद उसके ऊपर से हम ये सजा देंगे टोमेटो, ग्रीन चिली और धनिया का पत्ता। इसमें आप चाहे तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर से हम डालेंगे बिरयानी का जो मेहरान का मसाला था, वो हम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हम चावल बनाने का तरीका आपको बताए हैं कि बिरयानी का चावल कैसे बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे नेक्स्ट वीडियो मिलेगा कि बिरयानी के लिए चिकन को कैसे तैयार करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमारा चिकन भी इधर है, तो हम बनाने का तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से इसके ऊपर हम सजा देंगे चिकन को। अब बताए ही हैं आपको कि एक स्टेप चावल, एक स्टेप चिकन और एक स्टेप पे सजावट इसका करना है ग्रीन चिल्ली धनिया का पत्ता से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली जो है हमारा ये चिकन का जो चावल है बिरयानी का, वो फाइनली हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इसको सजाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा कलर ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम टोमेटो धनिया का पत्ता ही सजा रहे हैं। ये हमारा फाइनल है, ये फाइनली हो चुका है। इसके बाद हम सिर्फ इसमें कलर ऐड करेंगे, बाकी सब हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हम चलते हैं इसमें कलर ऐड करने। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इसमें हम आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन या पिंक, रेड, तो हम इसमें रेड कलर यूज़ करेंगे। इस पर से थोड़ा सा हम चाट मसाला ऐड कर देंगे सबसे ऊपर। चाट मसाला जो आता है किसी भी कंपनी का चलेगा, चाट मसाला और नींबू आप ऐड कर सकते हैं आप चाहे तो। तो यहाँ पे हम इंडिश कंपनी का जो है चाट मसाला यूज़ करें, हमें बहुत पसंद है चाट मसाला। इसके बाद हम इसमें अब हम कलर ऐड करेंगे। तो ये फाइनली जो है हमारा सब कुछ हो चुका है। ऐसे बिरयानी आप भी बनाएं, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमें तो बहुत पसंद है, बहुत ही इजी तरीके से घर में रहे सामान से आप बना सकते हैं। आप बाहरी कुछ ज़्यादा नहीं लमछम इसमें नहीं है, ये बहुत ही हल्के तरीके से इसका प्रोसेस हम बताएं, बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्पाइसी होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लजीज होता है, आप देख सकते हैं, देख कर ही पहचान सकते हैं कि ये कितना टेस्टी हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है फाइनली रेसिपी ख़त्म होने वाला है। तो इसके बाद हमें सिर्फ अब कलर और थोड़ा सा जो ग्रीन चिली धनिया का पत्ता वगैरह है ये सब इस पे से ऊपर से ऐड करना है। उसके बाद हमारा जो रेसिपी है कंप्लीट हो चुका है। तो आप सब बताइए कि हमारा हमारा जो बिरयानी का ये चावल बनाने का तरीका था कैसा लगा, और आप सबको कैसा लगा, और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फिर हमारा ये चावल बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, फिर बिरयानी के लिए चिकन कैसे तैयार करें। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यह हमारा रेसिपी कंप्लीट हुआ, तब तक के लिए बाय।